हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमारे पास बहुत सारे एम्पलीफायर बोर्ड हैं, जिसमें अगर आपको 10 वाट 20 वाट 50 वाट तक के एम्पलीफायर चाहिए तो आपको सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे। कैसे खरीदना है, कहां से ऑर्डर करना है, सब कुछ बताऊंगा। बस आप छोटा सा काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं करा तो फटाफट से फॉलो कर लो। तो सबसे पहला जो हमारा एम्पलीफायर है, ये आपको 3116 2.1 के साथ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप 50-50 वॉट के स्पीकर बूफर लगा सकते हो, बहुत बेस्ट साउंड मिलेगा और ये 100% ओरिजिनल आईसी के साथ है। जिसको भी खरीदना होगा वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको इसकी ओरिजिनल आईसी की फोटो भेज देंगे ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। खरीदने से पहले एक बार मैसेज जरूर करना। नेक्स्ट, यहाँ आपको ये गोल्ड AP55 बोर्ड मिल जाएगा जो कि 50-50 वॉट का आउटपुट दे देता है, 12 से 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। डिस्प्ले मिलती है इसमें, आपको बड़ी सी हीट सिंक मिलती है। और अगर मैं बात करूँ इसके पावर की, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। गोल्ड AP55 बहुत ज़्यादा फेमस है बोर्ड, तो आप इसको ही परचेज़ कर सकते हो। प्राइस वगैरह अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लगभग 700-800 रुपये में मिल जाएगा इजिली। नेक्स्ट जो हमारा एम्पलीफायर है, ये हमारे पास 15-15 वॉट का एम्पलीफायर बोर्ड है। इसकी आईसी का नंबर मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने बहुत ढूंढने कोशिश करी, मिला नहीं। ये 12 से 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 15-15 वॉट के स्पीकर आप इजीली चला सकते हो इससे। ब्लूटूथ इसके अंदर इनबिल्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, लगभग 300 से 350-400 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ आपको एक और एम्पलीफायर बोर्ड मिल जाएगा, इसके अंदर ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से पैनल खरीदना पड़ेगा। और ये 12 से 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है। और 25-25 वॉट के आप इसमें स्पीकर बूफर आराम से इजीली चला सकते हो, और बड़े बड़े इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं जिससे ये लोड ले जाएगा आराम से। इसमें आपको जो BT पैनल है उसका भी कनेक्शन अलग से दे रखा है। नेक्स्ट, यहाँ आपको 3110 का मिल जाएगा जो कि 30-30 वॉट का स्पीकर चलाए जा कहते हैं लोग चलाते हैं, लेकिन ये 30-30 वॉट के लोड ले ही नहीं पाता है, क्योंकि इसकी जो PCB है वो पतली हो गई है पहले के मुकाबले अब, क्योंकि अब ये 15 से 20 वॉट तक का लोड ले पाता है, इससे ज़्यादा ये लोड नहीं ले पाता है। तो खरीदने से पहले ये बेसिक नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ आपको एक और मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा जो कि 10-10 वॉट के लिए है। ये इसमें सारे फीचर मिल जाएंगे, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह, ऑक्स वगैरह, बटन वगैरह, मोड वगैरह सारे मिल जाएंगे इसमें। 10-10 वॉट के स्पीकर आप इजीली लगा सकते हो, अलग से इसमें डिस्प्ले वगैरह भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 250 से 300 रुपये में मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट, यहाँ आपको ये वाला हमारे पास TSBT एम्पलीफायर मॉड्यूल मिल जाएगा जो कि 10-10 वॉट के स्पीकर चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो 10-10 वाट के अगर आपके पास स्पीकर पड़े हैं तो आप चला सकते हो। बूफर चलाना है तो आप एक स्पीकर एक बूफर लगा सकते हो, तभी ये लोड ले पाएगा, नहीं तो ये अदरवाइज ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ आपको कॉस्मिक IC99A इसका मॉडल नंबर है, तो ये भी 10-10 वाट के स्पीकर वगैरह चला सकता है, लेकिन इसमें आप 10 वाट के स्पीकर लगा लो या 10-10 वाट के बूफर लगा लो, दोनों पे लोड ले जाएगा और सिंगल बैटरी पे आराम से चला सकते हो आप। डबल बैटरी पैरेलल में करके आप चला सकते हो। अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट, यहाँ आपको BAM 8610 ओरिजिनल आईसी के साथ मिल जाएगा। इसको यूज़ करने के लिए आपको ना हीट सिंक पेस्ट और हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये छोटी सी आईसी पे लोड ज़्यादा पड़ेगा 15-15 वॉट का, तो ये आईसी ख़राब हो जाती है, हीट हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए आपको हीट सिंक और हीट सिंक पेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, ये लगभग 120-130 रुपये में इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ आपको 8006 पैनल मिल जाएगा जो कि 10-10 वॉट के स्पीकर, 5-5 वॉट के स्पीकर दोनों ही चला सकते हो आप अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे। दो कैपेसिटर दे रखे हैं तो लोड ही आराम से ले जाएगा, आराम से ले लेगा लोड, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसको खरीद सकते हो आप 150 रुपये में इजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है, 10-15 रुपये ऊपर नीचे होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और एम्पलीफायर का पैनल है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर ब्लूटूथ इनबिल्ट है। मैंने अब तक जितने भी दिखाए हैं आपको एम्पलीफायर, 2-3 को छोड़ के सब के अंदर ब्लूटूथ इनबिल्ट है, तो आपको ये भी ले सकते हो। इसके अंदर माइक्रो USB चार्जिंग जैक वगैरह, बस आपको उसमें बैटरी लगानी और स्पीकर लगाने, बस और कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास कुछ और एम्पलीफायर हैं जो कि सिंगल चैनल के हैं, कि चारों जिसमें TG113 भी है, बाकी और छोटे मोटे एम्पलीफायर हैं जो कि सिंगल स्पीकर चला सकते हैं, 3 वाट 5 वाट के, इससे ऊपर वाले नहीं है, ये सारे 3 वाट 5 वाट वाले हैं। 10 वाट के अगर आप चलाओगे तो ख़राब हो जाएगा, तो 10 वाट के मत लगाना। तो ऑर्डर कैसे करना है, सिंपली क्या करना है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही मिलेगा डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक, उस पर क्लिक करना, आप हमारे स्टोर पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर कलेक्शन अलग अलग हो रखे हैं, मिनिमम 200 रुपीज़ का ऑर्डर बना लेना, ठीक है। और डिलीवरी चार्ज जो है 70 रुपये डिलीवरी चार्ज है प्रीपेड में, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी लोगे तो 120 रुपये डिलीवरी चार्ज है, वो आपको पहले देना पड़ेगा। कैश ऑन डिलीवरी में आपको डिलीवरी चार्ज पहले देना पड़ेगा, बाकी डिलीवरी होने के बाद, और आपका सामान 100% पहुँचेगा, सेफ अच्छी क्वालिटी में पहुँचेगा। और 500 रुपये के और प्रीपेड ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी चल रहा है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड गुड बाय।